तो अब हम लोग ये थोड़ा अंदर कंट्रोल पैनल के बारे में हम लोग देखेंगे, बाहर के बारे में तो भ्रमण कर लिए, अब इसमें देख रहे हैं कि ये बहुत सारा पैनल लगा हुआ है, क्या क्या है इसमें, चलिए देखेंगे इसमें। तो सब चल, तो इसमें सबसे पहले इधर से हम लोग देखेंगे कि ये दिखाई दे रहा है, यहाँ लिखा हुआ है 33 KVA कंट्रोल एंड रिले पैनल फॉर फीडर प्रोटेक्शन, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, बताइए सर थोड़ा इसके बारे में। ये जो मेरा पैनल है ये 33 का पैनल है, ये मेरा मेन जो इनकमिंग है 33 मेन हमारा यही लाइन आता है, मेन जो काम है यही 33 जो इनकमिंग करता है मेरा 33 उसका ये पैनल है, ये सब रिले उले सब इंडिकेटर रिले सब मीटर ये मेरा आई सब शुरू है, मीटर है जो उस पर दिखा रहा है मेरा एम्पियर मीटर है, मतलब लोड कितना अभी हमारा खपत हो रहा है जो एम्पियर मीटर मेरा बता रहा है। अच्छा ये तीन है तो हाँ, तीनों फेज का अलग अलग। हाँ तीनों तो फेज का में अभी दिखा रहा है, दो खराब हो चुका है। अच्छा ठीक है, चलिए ये नीचे वोल्ट मीटर, ये मेरा वोल्ट मीटर है, वोल्ट मापते रहता है कम बेसी, और ये मेरा जितना भी दिखाई दे रहा है सब ये सब मान लीजिए कि कोई त्रुटि हो जैसे DC फेल होगा तो ये मेरा इंडिकेटर जल जाएगा, कोई भी अर्थ फॉल्ट होगा तो ये सब जल जाएगा, AC फेल होगा तो ये जल जाएगा, ये सब इंडिकेटर एक तरह से दिया गया है, ये मतलब शो करेगा ये शो से। ये सब स्प्रिंग है, स्प्रिंग मतलब चार्ज का, ये ऑटोमेटिक स्प्रिंग चार्ज है, ये ब्लू जलेगा तो लगेगा कि स्प्रिंग चार्ज है लिखा है, मान लीजिए ब्लू तो रहता है तो RYB भी होता है, लेकिन ये ब्लू मेरा है तो ये स्प्रिंग चार्ज लिखता है, ऑटोमेटिक स्प्रिंग चार्ज है, ये और मैं हेल्दी मान लीजिए कि बैटरी चार्ज है कि नहीं, अगर बैटरी चार्ज नहीं रहेगा DC मेरा DC तो ये बल्ब नहीं चल रहा है, हेल्दी लिखा है हेल्दी ट्रिप कटिंग, उसके बाद ये DC फेल, अगर DC मेरा फेल हो जाएगा तो ये इशू करेगा, ये फेल हो जाएगा ये इशू करेगा चालू हो जाएगा, अरे मेरा R फेज और B फेज वैसे ही 33 KVA का ये RYB ये दिखा रहा है, और ये जो DC फेल हो जाएगा ये इंडिकेटर जल जाएगा, और ये DC हमारे पास अवेलेबल है तो ये जल रहा है कि हाँ बता रहा है कि है। मान लीजिए सर एक मिनट, ये DC हम लोग के पास यहाँ पैनल में क्यों रहता है? अच्छा DC का प्रयोग इसलिए किया जाता है, मान लीजिए कि पहले का था कि लाइन चल रहा है तार गिर गया, वायर मेरा गिर गया, 11 KVA का 33 का तार गिर गया लेकिन लाइन चल ही रहा है लाइन, अब लेकिन सुविधा बना दिया गया है अगर थोड़ा सा भी कहीं पत्ता भी सटता है अचानक, मान लीजिए कि 3 वायर है उस पर कभी टहनी भी सट जाए या गिर जाए तो ऑटोमेटिक ये ट्रिप हो जाएगा मेरा लाइन कट जाएगा, अगर ये DC नहीं रहता है तो कहीं घटना हो सकता है, अचानक वायर गिरा है पता ना चल रहा है कहीं ब्लास्ट कर देगा वायर गिर जाएगा, और वहीं मान लीजिए हेवी से हेल्वी फॉल्ट को इशू करने के लिए इस ये DC का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसमें लगभग सब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाया हुआ है, पैनल बनाया हुआ है इसके कारण 33 में चाहे 11 में दोनों में हाँ ऑटोमेटिक। अच्छा ये सब ये जो ये मेरा DC सब अलार्म है, मान लीजिए लाइन ट्रिप करता है चाहे कुछ भी हो तो इसको एक्सेप्ट किया जाता है, सबका रीसेट जैसे ये रीसेट हो गया मेरा अलार्म टेस्ट करना है ऐसा जो अब इसको एक्सेप्ट करके रीसेट करना सब, फिर ये जो है स्विच ये सब RYB मेंटेन वोल्टेज वाला वोल्ट मीटर स्विच है। अच्छा तीनों फेज का वहाँ एक ही वोल्ट मीटर से यहाँ सेलेक्ट करके हम लोग वोल्टेज माप सकते हैं। ये मेरा मीटर है, ये सर क्या दिखाई दे रहा है यहाँ VCB। हाँ VCB मेन वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, इसका पूरा नाम होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। और ये सिलेक्टर स्विच है, स्विच है मान लीजिए कि थोड़ा प्रॉब्लम यहीं से मान लीजिए कि ऑन ऑफ हम यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, और किसके मदद से DC के ही मदद से ऑन ऑफ हो सकता है, अगर DC मेरा हेल्दी नहीं रहेगा तो ये ऑन ऑफ यहाँ से नहीं होगा, वहाँ से आपको मैन्युअली कर जाके हाथ से करना पड़ेगा। अच्छा ये जो है ये मेरा पैनल जो है जो जैसे हमारा ये 33 इनकमिंग होता है वैसे ही मेरा ये 33 आउटगोइंग है डेरनी जो जाता है। अच्छा यहाँ रसूलपुर से आया ये पैनल ये बताया सब आने वाला और यहाँ से जाने वाला है। अब पूछेगा कोई कि काहे यहीं काहे दिया वहाँ से क्यों नहीं डायरेक्ट डेरनी, मान लीजिए कि लाइन इतना बड़ा है इतना बड़ा डायरेक्ट रसूलपुर से डेरनी जाए तो लाइन मान लीजिए कहीं बाधित होता है तो डेरनी से रसूलपुर जाना पड़ेगा ना,
तो उसको सुविधा मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया कि यहाँ से रसूलपुर आया, फिर रसूल यहाँ से देरनी दे दी। मान लीजिए कि लाइन हमारा भेल्दी का ख़राब है तो हम रसूलपुर से भेल्दी नू चेकिंग करेंगे, और फिर डेरनी का ख़राब हो गया मान लीजिए कि पता ना चल रहा है, तो मान लीजिए हम डेरनी का भेल्दी ख़राब हो गया तो वहाँ से हम चेक कर सकते हैं अपना डेरनी के बंद करके। अगर डेरनी खराब होगा तो देंगे तो ऑटोमेटिक ट्यूब यहाँ से बंद करके वहाँ से उसको चेक कर लेंगे। यानी कि जैसे डेरनी यहाँ से जाने में डेरनी जो 33 KVA का भी फॉल्ट है तो यहाँ से हम ब्रेक डाउन करके और यहाँ 33 का काम करा सकते हैं, पूरे रसूलपुर से यहाँ डेरनी के लिए डिस्टर्ब नहीं होना पड़ेगा। 30 के लिए आउट गोइंग कर रहा है डेरनी के लिए। और फिर ये पैनल, ये मेरा ट्रांसफार्मर का पैनल, ये ट्रांसफार्मर जो लगाया है दो गो 5 VA का, उसका दोनों का है, दोनों का पैनल है। ये दोनों का पैनल, मान लीजिए कि कहीं अचानक कोई बात हो गया तो यहाँ से भी हम लोग ट्रिप कर सकते हैं, वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं। अगर डीसी हेल्दी रहेगा तो, डीसी हेल्दी नहीं रहेगा तो कुछ नहीं काम कर सकते, कुछ नहीं, जो भी करना होगा वहाँ से जाना है, मैनुअली कर लीजिए। ये सब मीटर जो है ये थोड़ा, ये सब मीटर तो और कोई भी लगता है, ये सब एनर्जी मीटर, मान लीजिए एम्पियर, उसके बाद KWH, MVA सब मापने के लिए, नोट करने के लिए सब मीटर लगाया जाता है। ये मीटर में हम सब माप सकते हैं, वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर, फ्रीक्वेंसी, ये सब माप, कितना लोड पे चल रहा है वो सब माप सकते हैं। और ये क्या लगा हुआ है, ये बटन का है, मान लीजिए कि लाइन जैसे लिखा है ओवर करंट और द फॉल्ट, जैसे जो इसमें फॉल्ट होगा वो इंडिकेटर शो कर देगा। अब ये इंडिकेटर कोई सर नहीं, ट्रिप कॉट लिखा है तो, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है, एक्सेप्ट कर दीजिएगा तो फिर ख़त्म, बंद हो जाएगा। अब मान लीजिएगा अचानक कभी होगा तो ऑटोमेटिक शो करने लगे। और ये भी पैनल दो नंबर ट्रांसफार्मर का है, ये एक नंबर और ये दो नंबर, तो अभी दोनों चल रहा है, दोनों चल रहा है। जैसे हम लोग जानते हैं कि रेलवे में कि रेड का मतलब अथी होता है चालू, मतलब रेल का मतलब रुकना, खतरा है, यहाँ पर उल्टा हो गया है, रेल का मतलब कि लाइन खतरे है लेकिन यहाँ चालू है और वहाँ बंद है, एक तरह से होता है। हाँ, यानी कि रेलवे लाइन में होता है रेड झंडी का मतलब रुक जाओ, लेकिन यहाँ रेड के झंडी का मतलब चालू, खतरा, खतरा का इंडिकेटर, ग्रीन मतलब बंद है। और नीचे वाला जो कौन, ये सब मान लीजिए कि अचानक ट्रिप कर गया, अब यहाँ से एक्सेप्ट नहीं हो रहा है मेरा, मान लीजिए कि ट्रिप करिए यहाँ से एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग खोल के मैनुअली हाथ से हम लोग पुश के सहारे पुश करके इसको फिर से काम कर सकते हैं, इसको मैनुअल कर सकते हैं। अचानक मान लीजिए कि हमारा वोल्टेज, मान लीजिए कि यही 33 का है, तो मान लीजिए कि डेरनी हम ज़्यादा खपत करने, तो मान लीजिए कि जितना रेशियो सेट किएगा उससे अधिक अगर लेगा तो बार बार ये ट्रिप करेगा, उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ से बढ़ाया घटाया जा सकता है वोल्टेज, या लोड रेशियो को, रेशियो एक नाप के किया जा सकता है। कैपेसिटर बाहर हम दिखाएँ, उसका ये पैनल है, कैपेसिटर बैंक का ये पैनल, हाँ पैनल है, इसका प्रयोग ज़्यादातर मतलब ठंडे के समय में, मतलब जाड़ा के दिन किया जाता है, अभी तो इसका कोई प्रयोग ना होता है, फुहरा के समय ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। और ये सब मेरा 11 के भी, जितना पैनल है सब 11 के भी है पैनल, जो सब उधर वाले पैनल जो है 11 करेगा, इसी से आउट गोइंग, आउट मतलब देना, सब इसी पैनल से लाइन को दिया जा सकता है। ये जो मेरा ये जो हम लोग जो फीडर बोलते हैं कि ये फीडर इस गांव के लिए उस गांव के लिए, तो यही पैनल से या ब्रेक डाउन करना होगा तो इसी से हम लोग पैनल से ब्रेक करते हैं। तो अभी ये जो होगा भेल्दी गांव के लिए है, ये तो मैंने बंद हो गया है, मतलब पैनल खराब होने का कारण, देखिए ये जो मेरा जीवन पे एग्रीकल्चर के लिए है, ये एग्रीकल्चर है लेकिन इस पर डोमेस्टिक लाइन चलता है, काहे कि अभी व्यवस्था न किया गया इसी पर डोमेस्टिक अभी लाइन चल रहा है, तो इसमें ये आपका एजीवन से चलता है भीमा बांध, बड़की सिरिसिया, मुरली सिरिसिया, उसके बाद तकिया, और उसके बाद बसौता, और उसके बाद कारसा तक लाइन इसका जाता है, कारसा तक। अच्छा, यहाँ जो है कि कृषि वाला और डोमेस्टिक वाला सबको अलग अलग करके रखा गया, व्यवस्था ही अलग अलग के लिए,
लेकिन ये खराब होने के कारण ये एक ही पे चलाया जा रहा है, गांव वाला और ये जो है कृषि वाला, दोनों पे एक ही पे चलाया जा रहा है। फिर भी तो ऐसा ही होगा जी, AG2 ये एग्रीकल्चर का है जो इसका अभी वायर वायर न लगने के कारण अब जब फिटिंग हो जाएगा, पैनल लगा दिया गया है, यानी कि ये कोड डाला गया है AG का, मतलब कि एग्रीकल्चर आगे प्रोसेस किया जाएगा जो आगे प्रोसेस होगा। जैसे यहाँ भी ये सब जो इंडिकेटर लगा हुआ है सब उसी तरह का, जैसा कि हम लोग पिछले में देखे 33 वाले में, वैसे ही ये भी है। अभी है इनकमर, जो हमारा इनकमर, इनकमर मतलब वहाँ से 33 मेरा इसको डायरेक्ट लाइन देगा, वहाँ से 33 यहाँ आएगा तो 11 बन जाएगा, इसमें इनकमर होगा, इसमें इन करेगा ये मेरा इनकमर है, इनकमर 1 है, यानी कि 33 डाउन करके 11 किया है। हाँ, इसमें देगा सबसे पहले इसमें लाइन देगा, इसमें देगा, उसके बाद देने के बाद उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट करके 11 बना के अपना हर जगह देगा, लेकिन सबसे पहले 11 ही आया। हाँ, इलेवन के भी पहले, 11 के भी, और उसके बाद इससे करके उधर भी दिया गया। हाँ, वो गांव वाला फीडर वाला वो पैनल है, ये डायरेक्ट इसमें आएगा इनकम। एक चीज बताइए, यदि जो कहीं गांव का कहीं फीडर का लाइन कटना होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ देखिए, अगर कहीं भी लाइन अगर हमारा कट करना है तो यहाँ से हम अपना, यहाँ लिखा है क्लोज और ट्रिप, अगर यहाँ क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं तो मेरा पावर बंद हो गया, तो इंडिकेटर यहाँ देखिए और VCB ऑफ दोनों, यानी कि बंद हो गया। कहीं कहीं जगह पर लाइन कट गया। हाँ, जहाँ जहाँ जितना एरिया में लाइन जाता होगा सब लाइन कट गया। अब इसको ट्रिप लिखा है, इसको इधर करेंगे तो मेरा ऑन हो जाएगा, जितना लिखा हुआ सब वहाँ पर चल जाएगा। अब देखिए ऑटोमेटिक स्प्रिंग चार्ज हो जाएगा आपका। कहीं ये 11 के भी जो लाइन गया हुआ फीडर में, कहीं पेड़ का पत्ता या बरसात के दिन में सब ये कैसे यहाँ इंडिकेट करेगा ना, ये आपका देखिए ये लिखा है ऑटो ट्रिप, अगर कहीं पेड़ सटता है चाहे अचानक कोई फॉल्ट होता है, ऑटोमेटिक ये ट्रिप करेगा, ये ट्रिप करेगा तो ये जो दिखाई दे रहा है मेरा स्प्रिंग, ये नीचे डाउन हो जाएगा, अलार्म बजने लगेगा, सब अलार्म है जितना है अलार्म सब बजने लगेगा, तो पता चलेगा फीडर कोई ट्रिप किया है। अच्छा, इसमें ऐसा भी होता है कि जो थ्री फेज है RYB, तो जिसमें आर में पेड़ का पत्ता सट रहा है तो आर का ही ऐसा बताता है क्या यहाँ? ना वो केवल मतलब किसी में ट्रिप किया ऐसा होता है। अगर मान लीजिए कि कोई कहता है वोल्टेज कम है तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि कौन सा किस में हमारा वोल्टेज किस फेज में वोल्टेज कम है, लेकिन अर्थ लीकेज के लिए ये नहीं बताएगा कि किस फेज में अर्थ लीकेज है, ग्रिड वाला बताता है 33 जहाँ से आ रहा है वो बताएगा। RYB सब में अब इसमें देखना होगा यहाँ। अच्छा, ये बताइए यहाँ जो है ये स्विच जो है इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये मेरा एम्पियर मीटर है, तीनों फेज का एम्पियर मीटर हम मापते हैं, जैसे देखिए अभी मेरा कितना है, इस पर मैंने 54-55 के करीब है, देखिए 51-50 मैंने 44 दो फेज हमारा सेम है, एक फेज कम है, अगर 10 एम्पियर से अगर अधिक हो तो पता चल जाएगा कि मेरा एक फेज में बहुत ज़्यादा कम, और 2-3 एम्पियर कम है, 4 एम्पियर कम है तो कोई ना मायने ना रखता है, उतना रहता है। यानी ये जो स्विच है यहाँ आर यहाँ घुमाएंगे, वाई यहाँ घुमाएंगे, बी, और इससे हम लोग ये चेक कर सकते हैं तीनों पे, और वैसे ही ये वोल्ट मीटर है, तो ये भी घुमा करके अभी जो है आर पे है और फिर ये जो है बी का वोल्टेज चेक करेंगे, फिर वैसे ही आर का वोल्टेज चेक कर लेंगे, और ये जो है बंद करने के लिए ये जो लगा हुआ है सर ये क्या रिमोट है? रिमोट यानी कि लोकल होता है या होता है, एक होता है ना कि मतलब ऑटोमेटिक, एक होता है कि मैनुअल, यानी कि यहाँ से भी लाइन को काट सकते हैं, रिमोट का मतलब कि दो जगह से ऑपरेट कर सकते हैं इसीलिए।